दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आप ही के अपने ग्रुप स्वदेशी ग्रुप में। आइए दोस्तों चेक करते हैं एक नया प्रोग्रामर पिकेट 3.5 जो आप सभी यूज लेते हैं मिंडा को रीड और राइट करने के लिए, यानी मिंडा वाले मीटर को जिसमें पिक PIC पिक वाला MCU होता है। तो कई भाइयों को, कई दोस्तों को ये प्रॉब्लम थी कि उसके अंदर हैक्स को भरना पड़ता है। तो ये आपका शॉर्टकट है, आप देख पा रहे हो जिस तरह से मेरा माउस अभी मेरे कंप्यूटर पे है, ये उसका एक शॉर्टकट होता है जो आप लोग रन करते हो, आप लोग उसको चलाते हो। तो यहाँ क्या होता है कि आपको हैक्स भरना पड़ता है ना, आपको तो आइडिया ही है। मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए कोई ये MCU सेलेक्ट किया, तो यहाँ आपको कितने किलोमीटर का हैक्स है वो निकालना पड़ता है, भरना पड़ता है, और इस सब लाइन को 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90 पे जाके आपको 0000 यानी कि FFF डालना पड़ता है। तो आइए दोस्तों एक नए सॉल्यूशन पे बात करते हैं। हमारी टीम ने एक छोटा सा शॉर्टकट बनाया है आपके लिए थोड़ी मेहनत करके, उसका शॉर्टकट यहाँ रखा है हमने डेस्कटॉप पे। वो शॉर्टकट कुछ इस तरह से ओपन होता है, ये इस तरह से ओपन होगा। ओके, दोनों सॉफ्टवेयर लगभग एक जैसे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर वर्किंग कल्चर दोनों का एक जैसा है। क्या एक्स्ट्रा है, आइए डायरेक्टली उस पॉइंट पे आते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारे स्वदेशी कंपनी द्वारा बनाया गया है। जैसा कि आप थोड़ा इसके पिक्चर फ्रेम में देख पा रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे कोई MCU सेलेक्ट किया, एग्जाम्पल के लिए मिंडा का पिक 16F 946, और आपने इसमें भी जाके किया मिंडा का पिक 946 स्टैंडर्ड में, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, कोई भी MCU सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं नीचे फ्रेम में जहां मैं माउस को थोड़ा घुमा रहा हूँ, यहाँ ये दो बटन एक्स्ट्रा आ गए, रीड किलोमीटर एंड राइट किलोमीटर। यहाँ देखो ये नहीं है, तो ये दो बटन ही हमने इसमें नए बनाए हैं, और कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ फीचर्स, कुछ ऑप्शंस नए डाले हैं जो आपके लिए काफी सुविधाजनक होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्वदेशी कंपनी द्वारा बनाया हुआ पिकेट 3.5 प्रोग्रामर के लिए एक नया सॉफ्टवेयर जो आपके हैक्स को लिखने और हैक्स को कहाँ से निकाल के लाए उस झंझट को खत्म कर देगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे पास फिलहाल आपको डेमो देने के लिए कोई मीटर तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं फाइल ओपन करके आपको डेमो देता हूँ। यहाँ आपका किलोमीटर लिखा आएगा ऑटोमेटिकली, जहां मैं माउस दिखा रहा हूँ, रीड करने पे वो ऑटोमेटिकली उसका किलोमीटर कन्वर्ट करेगा, और राइट पे क्लिक करने पे वो आपको डेटा राइट कर देगा। आइए इसका डेमो लेते हैं। तो मान लो मेरे पास कुछ फाइल पड़ी है, ठीक है, मैं गया, मैंने फाइल फाइल में इम्पोर्ट किया, इंपोर्ट किया तो मेरे डेस्कटॉप पे मैंने कुछ फाइल रखी है, मिंडा नाम का एक फोल्डर बनाया था मैंने अभी। ओके, कहाँ गया मिंडा, लिख देता हूँ ना मिंडा, ये मैंने एक फोल्डर बनाया था। इसके अंदर मान लो एक फाइल है, ये महिंद्रा बोलेरो है जिसके अंदर 946 MCU था, और इसकी रीडिंग थी 77,800। ओके, सबसे पहले आपको कोई फाइल ओपन कर लेनी है। फाइल ओपन हो गई, आप देख पा रहे हैं नीचे बहुत सारा डेटा आ गया, लेकिन किलोमीटर कितना हुआ। ओके, तो आपको रीड किलोमीटर पे क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, दो ऑप्शन होते हैं मिंडा मीटर पर काम करने के लिए, या तो आप कोई फाइल ओपन कर रहे हैं अगर आपके कंप्यूटर में रखा है, और या फिर आप यहाँ रीड बटन दबाते हैं। ओके, तो यहाँ रीड दबाने से ही आपको किलोमीटर दिखाएगा। तो ये बड़ा सिंपल हो गया कि इसके अंदर कितना हैक्स पड़ा है, देखो यहाँ किलोमीटर लिख के दिखाया। ओके, मुझे करना है मान लो इसको 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब तक ये होता था कि आप कोई नया कैलकुलेटर यूज लेते हो, या किसी दोस्त को फोन करते हो, या कोई PDF होती है आपके पास कहीं से ढूंढ के लाते हो, 1 2 3 4 5 6 का हैक्स लाते हो और यहाँ भरते हो, है ना दोस्तों। आपको तो पता ही है 1 2 3 4 5 6 ये आपकी हैक्स लोकेशन होती है। तो यहाँ हमने इतना आसान कर दिया है कि आप सिर्फ 1 2 3 4 5 6 या जो भी आपका किलोमीटर है यहाँ लिखिए, राइट का बटन दबाइए, आप देख पा रहे हैं नीचे डेटा चेंज हो गया। ओके, तो अब इस फाइल के अंदर नया किलोमीटर आपने लिख दिया है। चलिए आप 25,000 करके देखते हैं, आप गौर करिएगा दोस्तों, यहाँ डेटा चेंज होगा, है ना, इस वाले में डेटा चेंज होगा, गौर से देखिएगा। मैंने 25,000 लिखा और इसको किया राइट, ये देखिए डेटा चेंज हो गया। अब आप इसको यहाँ जाकर राइट कर लो तो आपके ये प्रोग्रामर में, आपके मीटर में सेट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हमने डाल दिया है इसके अंदर। सिर्फ आप अपने MCU को सेलेक्ट करके यहाँ ओके करिए। एक एग्जाम्पल और देते हैं, मान लो, अच्छा एक ऑप्शन और बताता हूँ, एक MP लैब करके भी सॉफ्टवेयर आता है, कौन सा रख करूँ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक MP लैब वाला भी एक ऑप्शन आता है,
उस सॉफ्टवेयर को अलग से ओपन करो, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाली फाइल डालो, वो झंझट भी हमने खत्म कर दी। इनको बोलो तो मैं पार्क में कॉल करता हूँ, ठीक है? तो आप यहाँ वो कोई हेलो। गाड़ी आती है ना 15 पिछिया सी के 90 वाले, पिछिया सी के 90। ओके चलिए, मैंने ये MCU सेलेक्ट किया। नीचे डेटा देखो बिल्कुल 000 है। अगर आप एग्जाम्पल के लिए मुझसे देखना चाहें कि 5000 का हैक्स क्या होगा, तो आप राइट करिए। तो ये देखो 5000 के हैक्स आपको दिखा रहा है। ओके, आपको 35000 के हैक्स चाहिए, तो ये 35000 का हैक्स देखिए डेटा चेंज हो गया। ओके चलिए अपन फाइल इंपोर्ट करते हैं। फाइल इंपोर्ट हैक्स, पीसीएनसी के 90 की एक फाइल पड़ी है मेरे पास। कितना है ये? 125980 ओपन। ठीक है, डेटा ओपन हो गया, रीड करेंगे, 125980 आया। ठीक है, आपको करना है इसको मान लो 24000, 24000 करिए, राइट करिए। तो देखो डेटा 24000 का भर गया। ओके, यहां से आप इसको राइट कर दीजिए। तो इसके अंदर हमने क्या किया दोस्तों, किसी भी गाड़ी का जिसके अंदर मिंडा का मीटर है उसका MCU यहां सेलेक्ट करिए, या फिर इसको ऑटो मोड में रखिए। ये मैनुअल ऑप्शन हटा देंगे तो ऑटो मोड में आ जाएगा। आप उसको रीड करिए, रीड करने के बाद यहाँ आप किलोमीटर अपने आप आएगा, इसको मिटाइए, जो आपको नया लिखना है नया लिखिए और राइट करिए। बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर आप सभी के डेस्कटॉप तक पहुँच सकता है बहुत आसानी से। आप हमारी सपोर्ट टीम को कॉल करिए, और मेरे नंबर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप सपोर्ट के में बात करिए। ये सॉफ्टवेयर बहुत इजी वे में आपके सभी के कंप्यूटर में बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी, चैनल स्वदेशी। धन्यवाद, जय हिंद।